देखिए, अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कैसे रहते हैं और ये जो सोसाइटी है वास्तु विहार, ये देखिए वास्तु विहार का पूरा सोसाइटी है, 500 घर है। देखिए वास्तु विहार, और इस साइड आ जाइए, 50 एकड़ का फ्लैट है ये, 50 एकड़ का। अब मैं बताता हूँ इनकी कहानी। इनकी कहानी ये है कि अब ये रहते तो हैं अपार्टमेंट में, आप सोचते हैं कि ये मदद करते होंगे, बहुत पैसे वाले होंगे, ये एक नंबर के लिच्चड़ होते हैं साले लोग, एक नंबर के। जो मदद आपको लोकल मोहल्ला वाले लोग आपके बीमार में आप कुछ मदद मांग रहे हैं तो वो दे देंगे, ये लोग जब आपके घर में मुसीबत आएंगे ना, तो ये आपका घर उस दिन से आना ही बंद कर देंगे, मिलना ही बंद कर देंगे। ये हाल होता है भाई। तो आप जो चक्कर में रहते हैं कि अपार्टमेंट में रहेंगे, बड़ा बड़ा सोसाइटी में रहेंगे, पैसे वाले लोग रहते हैं, बहुत डिसिप्लिन रहेंगे, बहुत डिसिप्लिन रहेंगे। देखिए ये वास्तु विहार का सोसाइटी है ना, अंदर 500 घर है, समझे, 500 घर है। जो लोग ये विचार में रखते हैं कि समाज में बहुत ही सभ्य लोग हैं, सभ्य लोग हैं, अरे जब तुमने किसी का मदद ही नहीं किया तो तुमको क्या फ़ायदा ऐसी सभ्यता का। ये लोग देखेंगे सामने घर में मुसीबत आ गया या किसी के घर में मुसीबत आ गया, कोई बीमार हो गया, तो ये उसके घर जाना ही बंद कर देंगे। हाँ, उनसे फ़ायदा रहेगा तो ये ऐसे चिपक जाएंगे जैसे चंदन के पेड़ पे सांप लपेट जाता है। ये सब है भाई घर, तो ये सब से गलतफहमी से दूर रहें, गलतफहमी से दूर रहें कि भैया वास्तु विहार और सब बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में रहने वाले लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये सब गलतफहमी में है, सबसे दूर रहें। जहाँ है छोटा छोटा मोहल्ला है वहाँ रहें, वहाँ ज़मीन खरीदें, वहाँ बनाएं। थोड़ा बहुत दिक्कत होता है लेकिन वो जो मदद कर देंगे, आपके बच्चे को हॉस्पिटल में पहुँच जाएंगे देखने, आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं बाहर तो अकेले जा रहे हैं तो मदद कर देंगे, लड़कियाँ को मदद कर देंगे। ये लोग कोई मदद नहीं करेगा, और महानुभाव लोग रहते हैं सब इसमें। ये देखिए वास्तु विहार का गेट है।